नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। आगामी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने कई स्तरों पर तैयारियां की हैं। इसके तहत होटलों की व्यापक जांच की जा रही है। शुक्रवार को डाल्टनगंज शहर के कई होटलों में जिला प्रशासन की टीम ने एसडीएम अनुराग तिवारी और सीओ अमरदीप बल्होत्रा के नेतृत्व में छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है, जब एक होटल में ठहरे बिहार के औरंगाबाद निवासी सदन यादव के पास से 90 लाख रुपए बरामद किए गए। सदन यादव ने प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि वो एक स्वर्ण व्यवसायी है और ये राशि उसके व्यापार से संबंधित है। हालांकि पुलिस इस जानकारी की सत्यता की जांच कर रही है और आयकर विभाग को भी मामले की सूचना दी गई है। इतनी बड़ी राशि की बरामदगी के बाद पुलिस और प्रशासन सतर्क हो गए हैं और मामले की गहन जाँच की जा रही है। प्रशासन द्वारा जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित कराने के लिए इस तरह की सख्ती बरती जा रही है। शहर के अन्य होटलों और संदिग्ध स्थानों पर भी इसी तरह की छानबीन जारी है। अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आयकर विभाग की टीम जल्द ही बरामद धनराशि और इसके स्रोत की विस्तृत जाँच करेगी। वहीं पुलिस द्वारा सदन यादव से लगातार पूछताछ की जा रही है ताकि मामले की गहराई से छानबीन की जा सके और किसी भी तरह की अवैध गतिविधि यदि है तो उसका खुलासा किया जा सके।